अभी हम यहाँ पर जो सिंथेटिक टर्फ है, श्रीनगर का मशहूर स्टेडियम माना जाता है, और हमारे साथ में जुड़ी है सेक्रेटरी J&K स्पोर्ट्स काउंसिल की जो सेक्रेटरी है नुसरत गुल जी, वो हमारे साथ जुड़ी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा गहमागहमी है। G20 से पहले यहाँ पर इस तरह के जो खेलों का इनेकाद है वो यहाँ पर किया जा रहा है। नुसरत जी से जानना चाहेंगे कि एक्चुअली में ये स्पोर्ट्स इवेंट क्या क्या यहाँ पर हो रही है। आपका बहुत बहुत खैर मकदम। शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। कि जो स्पोर्ट्स इवेंट्स हम करवा रहे हैं, इनका एक ही मकसद है कि G20 के बारे में अवेयरनेस अपने बच्चों को दे दें कि G20 का मतलब क्या है, इसमें कौन से मुल्क शामिल हैं, इसमें कौन कौन से फैसले दिए जाते हैं, किन किन चीज़ों पे डिलिब्रेशन हो जाती है, एक जनरल नॉलेज बच्चे को ऐड हो जाती है। सेकेंडली इट्स अ सेलिब्रेशन पॉइंट एंड हमारे बच्चे आके यहाँ अपना डेमोन्स्ट्रेशन जो है जिसे कहेंगे डेमो मैचेस करवा रहे हैं। आप पीछे मुड़ के देख सकते हैं हमारे जो फुटबॉलर्स हैं, रग्बी प्लेयर्स हैं, योगा के प्लेयर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, हमारे जिमनास्टिक्स हैं, यहाँ पे हमारे वुशू के प्लेयर्स हैं, हमारे पेंटिक्स लाट के प्लेयर्स हैं, और हमारे टॉप नॉच जो मेडलिस्ट हैं वहाँ की तरफ आप देख लीजिए, ये नेशनल एंड इंटरनेशनल अचीवर्स हैं। स्पोर्ट्स ने इनको काफ़ी कुछ दिया है, ये मेडलिस्ट हैं, इन्होंने देश के साथ अपनी फैमिलीज अपनी यूटी का नाम रोशन किया है। वी आर शोकेसिंग J&K एज एन इमर्जिंग हब ऑफ स्पोर्ट्स। आप खुद गवाह है कि आजकल आपने देखा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, आपने देखा होगा इवेंट्स के हवाले से, आपने देखा होगा यूथ एंगेजमेंट के हवाले से, खेलो इंडिया के वर्टिकल के हवाले से कितनी गहमागहमी और कितनी यूथ एंगेजमेंट यहाँ हो रही है। एंड आवर डिपार्टमेंट इज शोकेसिंग व्हाट आवर चिल्ड्रन हैव अचीव्ड इन ऑल दीज इयर्स। तो ये भी अभी खबरें काफी ज्यादा गश्त कर रही है कि यहाँ पर जो G20 मेंबर्स है वो यहाँ पर आएंगे, क्या ये सच है? देयर मोस्ट वेलकम। हमारे सारे स्टेडियम्स इस वक्त लिट अप है, हमारे सारे स्टेडियम्स में मैचेस हो रहे हैं, हमारे 50 जो मैचेस की सेलिब्रेशन है वो रणपुरा में है, गनी मेमोरियल में है, TRC क्रिकेट में है, पोलो वे में है, शेर कश्मीर इंडोर स्टेडियम में है, बख्शी स्टेडियम है, जम्मू में KK हुकू में है, MA स्टेडियम में है, भगवती नगर में है, वहाँ हमारा RSपोरा में हो रहा है, हमारे पुंछ में मैचेस चल रहे हैं, हमारे उधमपुर में मैचेस चल रहे हैं, कल हमारे डोडा रियासी में भी मैचेस चल रहे हैं। ऑल ओवर जो ये मैचेस चल रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन कैंपेन, तो वो कहीं पे भी जाके देख सकते हैं। तो इनसाइड तो हमने देखा, लेकिन आउटसाइड जो स्टेडियम्स है वहां पर भी काफी ज्यादा नक्शानिगारी की जा रही है, उसमें जो नोटेड स्पोर्ट्समैन और जो फेमिलियर स्पोर्ट्स पर्सन है वो उनके पिक्चर जो है बाकी बाहर से बनाई गई है, तो उसके हवाले से भी थोड़ा सा नाजरीन हमारे जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी जो पेंटिंग्स है, कौन कौन से पिक्चर्स वहां पर आप लोगों ने बनाए। देखिए बहुत अच्छी बात आपने कही, देखिए हमारे फील्ड्स हमारे स्पोर्ट्स स्टेडियम्स जब तक वाइब्रेंट नहीं लगेंगे, हैप्पी नहीं लगेंगे, हम अपने गेम्स को जब तक सेलिब्रेट नहीं करें, हमारे जो आइकन्स हैं इनको जब तक हम हीरोज का दर्जा नहीं देंगे, तो इनकी तरफ गेम्स की तरफ बच्चे कम रागिब होंगे। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ द कैंपेन वेयर इन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हम सेलिब्रेशन का माहौल यहाँ पैदा कर रहे हैं, बच्चों को ये जो स्टेडियम जाज़बे नज़र आने चाहिए, एक हैप्पी सा माहौल होता है तभी जाके बचे। और जिन गेम्स में हमने सबकत हासिल की है, जिन गेम्स में हमारे मेडल्स हैं, उन मेडल्स को उनके हम फोटोग्राफ्स लगा रहे हैं, होर्डिंग्स लगा रहे हैं, ताकि उनसे इंस्पायर होकर हमारे बाकी बच्चे भी गेम की तरफ रागिब हो। एक आखिरी सवाल जानना चाहूंगा, अभी काफी ज्यादा तैदाद में यहाँ पर जो बच्चे हैं वो खेलते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें डिफरेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स यहाँ पर कराए जा रहे हैं, उसमें जिमनास्टिक्स फुटबॉल और जो एथलेटिक्स है वो भी कराए जा रहे हैं, तो एक्चुअली में व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि इस तरह के जो मिक्सचर में सारे कुछ नजर आ रहे हैं? देखिए जब आपको शोकेस करना होता है, जब एक जगह लाइट जगती है, हर कोई बच्चे का ग्रुप आके डेमोन्स्ट्रेट करता है, हम फर्क नहीं दिखा सकते कि उस बच्चे को करना है। एक ग्रुप में हमारे काउंसिल के ग्रुप में मैसेज चला गया कि आज जमो मैचेस हो रहे हैं लाइट्स में, नो डाउट यहाँ रग्बी और फुटबॉल के मैचेस हैं, लेकिन आप देखिए हर तरफ टीम के बच्चे आ गए हैं, दे आर नॉट इन्वाइटेड। इट इज ए कैंपेन विच इज रन बाय चिल्ड्रन, इट इज रन बाय द डिपार्टमेंट, इट इज फॉर द चिल्ड्रन, इट इज बाय द चिल्ड्रन। आप देखिए कितने पेरेंट्स इनको लेके आए हैं, क्योंकि एक देखिए हमारे पास यहाँ तफरी का जो सामान है बहुत कम है, एंटरटेनमेंट का जो साधन है जम्मू कश्मीर में बहुत कम है, हमारे बच्चे गेम को हमारे बच्चे स्पोर्ट्स को एक साधन मान के एक जरिया मान के अपनी एनर्जी यहाँ पे लगा रहे हैं, तो ये तो बहुत खुशाइन बात है। बहुत शुक्रिया। तो ये थे
सेक्रेटरी जे एंड के स्पोर्ट्स काउंसिल की नुजहत गुल जी, तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर स्पोर्ट्स का ही एक माध्यम है जो यहाँ पर बच्चे फेवर करते हैं। तो चाहेंगे कि किसी और स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी से बात करें। यहाँ पर इंशा बशीर है जो ये व्हील चेयर बास्केटबॉल प्लेयर है। तो आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे। थैंक यू सो मच। तो आज G20 के हवाले से काफी ज्यादा ऐसे स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज यहाँ पर जमा हो गई है, तो जानना चाहेंगे कि क्या एक्चुअली में ये इवेंट है? सर ये यही है कि कितनी डेवलपमेंट हो रही है और कितना हमारा स्पोर्ट्स आगे आया है कि लाइक अगर आज से 6-7 साल पहले की बात करेंगे तो लाइक बहुत अगर आज से 5-6 साल की पहले की बात करें तो जो कश्मीर था जो स्पोर्ट्स में बहुत पीछे था, लेकिन नाउ स्पोर्ट्स इज टचिंग न्यू हाइट्स इन J&K। खासकर जो गर्ल्स है, गर्ल्स को बहुत सपोर्ट मिल रहा है। मैं 6 साल पहले अगर स्पोर्ट्स की बात करूँगी दैट टाइम पे मुझे लग रहा था क्या करूँगी, कहाँ पे कोच करूँ। अभी तो बहुत चेंज था। आई कैन सी कि कितने सारे न्यू बर्ड्स, ग्रोइंग बर्ड्स आ रहे हैं, स्पोर्ट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और गर्ल्स जो हेजिटेट कर रहे थे कि हम स्पोर्ट्स ज्वाइन करें कि नहीं, लेकिन अब उनका भी वो पैशन बन गया है। मुझे काफ़ी पर्सनली सोशल मीडिया पे मैसेज आ जाती है कि मैम हम स्पोर्ट्स ज्वाइन करें, हम आपके जैसे बनना चाहते। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है हमारा J&K। एंड स्पोर्ट्स काउंसिल स्पेशली जो सेक्रेटरी मैम है वो बहुत ज़्यादा पर्सनली इसमें ध्यान देते हैं, और जब कोई ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन आगे जाना चाहता है उनकी बहुत हेल्प करते हैं, और जो वो पर्सनली अप्रिशिएट करते हैं उससे भी बहुत सारे बूस्ट हो जाते हैं। जब आपने ये व्हीलचेयर बास्केटबॉल शुरू किया था तब मुझे याद है कि बहुत ही कम लोग इसमें रागिब हो जाते थे, आज कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं? से जब मैंने तब ज्वाइन किया था तो ओनली बॉयज टीम था, गर्ल्स टीम था ही नहीं, और इनिशियली मुझे पहले अदर स्टेट्स को रिप्रेजेंट करना पड़ता था बिकॉज J&K टीम था ही नहीं। लेकिन अब हमारे पास पूरी टीम है जिसकी मैं कैप्टन भी हूँ, लेकिन उस टाइम पे शायद उनके पास गाइडलाइंस नहीं थी या मेरे पास खुद के पास नहीं थी कि मुझे लग रहा था कि क्या मैं कर सकती हूँ, और बहुत ज़्यादा हेजिटेट, और पेरेंट्स का भी लगता था कि ऑलरेडी इंजुरी है, जैसे लोग बोलते हैं आपको ऑलरेडी प्रॉब्लम है। लेकिन वो था कि जब कोई गर्ल थी नहीं और लोग अंडर एस्टिमेट करते थे तो एक्चुअली मेरा फीमेल ईगो हर्ट होता था, जिसकी वजह से मैंने सोचा नहीं कुछ करके दिखाना है और आगे आना, तब जाके दूसरे भी आएंगे। अगर रोल मॉडल नहीं है कोई, खुद बनो एक रोल मॉडल सो दैट बाकी लोग इंस्पायर होके मोटिवेट हो जाए, आगे बढ़े। अभी वाकई में हमारे पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं, अभी स्टेट टीम है और नेशनल टीम के लिए सिलेक्शन होने वाली है, हमने ऑलरेडी एक नेशनल्स खेला है। सो बहुत अच्छा लग रहा है कि आगे नॉट ओनली ऑन व्हील चेयर बास्केटबॉल, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन कोई डिसेबिलिटी रखते हैं बहुत सारे स्पोर्ट्स में वो आगे आ रहे हैं। कभी कोई कांटेक्ट करता है कि किसी को कोई राय चाहिए या कोई, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आगे बढ़ रहे हैं हर फील्ड में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो यहाँ पर काफी ज्यादा ऐसे प्लेयर, नोटेड पर्सनालिटी एक है यहाँ पर हमारे कश्मीर में, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे चैनल जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। जानना चाहेंगे यहाँ पर जो ये इवेंट मुनक्कद हो रहा है तो इसके हवाले से बताएंगे आप ये क्या इवेंट है एक्चुअली? मतलब शाम को जब बच्चा घर जाता था 5-6 बजे के बाद कुछ होता ही नहीं, उसके बाद घर में कोई मॉडर्न नहीं है कोई चीज, बट उसके बाद शाम को जाएंगे इंडोर हॉल बनाए, हर डिस्ट्रिक्ट में इंडोर स्टेडियम्स आर देयर, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर, मतलब क्रिकेट ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है। अगर मैं क्रिकेट की बात करूंगा, हमारे पास 2 ग्राउंड्स होते थे, एक जम्मू में होता था जहां पे क्रिकेट खेली जाती थी, प्रॉपर क्रिकेट, मतलब ऐसा नहीं कि मैट पे ऊपर आ रहा है। और जो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, एक नाइट लाइफ स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत थी नहीं यहाँ पे। शाम को इंसान ट्रेनिंग 4 बजे करके घर जाता था, बट आज आप शाम को जा सकते हैं, शाम को आप फिटनेस ही लेवल की कर, मतलब टेबल टेनिस कोई खेल रहा है, रन कर रहा है अभी कश्मीर में, जम्मू में अलग रन कर रहा है। एक है साउथ कश्मीर क्रिकेट एकेडमी जहाँ पे 5-4 डिस्ट्रिक्ट पूरे साउथ में जितने भी है, पुलवामा है, अनंतनाग है, शुपियान है, कुलगाम है, तो वहाँ पे हमने एकेडमी खोली है जहाँ पे, क्योंकि हम श्रीनगर में, अभी मैं श्रीनगर में, मैं वही क्या, वहाँ पे हम एकेडमी चला रहे हैं और जो हंड्रेड्स में बच्चे आ रहे हैं वो ट्रेनिंग कर रहे हैं बस 7 बजे। यहाँ पे हमारी TRC में चल रही है, जो हमारे इंटरनेशनल क्रिकेटर रहे हैं, जूनियर इंटरनेशनल क्रिकेटर आबिद ने भी, वो वहाँ पे हेड कर रहे हैं, एकेडमी यहाँ पे चल रही है, सुबह 7 बजे वहाँ पे ट्रेनिंग हो